की भी शूटिंग अब्रॉड में। क्या दिशा को लेकर नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहते हैं टाइगर? क्या मलन से इंस्पायर हो सकती है बागी 4? जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं कि टाइगर दिन आए दिन अपने फैंस को सरप्राइज देते रहते हैं, उनके बारे में हर दूसरे दिन नई अपडेट्स मिलती ही रहती हैं। और ये साल तो जैसे टाइगर के नाम ही हो गया है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस साल उनकी बहुत सारी फिल्में एक के बाद एक रिलीज होने वाली है, जिनमें से उनकी फिल्म हीरोपति 2 की रिलीज अगले महीने स्केड्यूल है और उसके बाद है उनकी फिल्म गणपत, जिसकी शूटिंग भी काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब इन फिल्मों के बाद भी टाइगर ने कई फिल्म साइन कर ली, जिसमें से सबसे ऊपर है बागी 4। फिल्म बागी 3 के बाद सीक्वेंस के बाद अब मेकर्स कर चुके हैं तैयारी इसके फोर्थ पार्ट के रिलीज की, जिसकी स्क्रिप्ट बस कुछ दिनों में फाइनलाइज की जाएगी और इस फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ साथ ही कास्ट भी फाइनलाइज हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद बागी 4 का पार्ट श्रद्धा नहीं शामिल हो सकती। हालांकि उनके फैंस को ये खबर सुन के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और वो डिसअपॉइंटेड भी थे। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मेकर्स की इस बार टाइगर से भी खफा है और वो इस वजह से फिल्म छोड़ने तक को तैयार थे, लेकिन अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टाइगर की डिमांड है कि फिल्म की मेन लीड में दिशा पाचनी को रखा जाए। आपको बता दें कि टाइगर को दिशा के साथ बागी 2 में देखा गया था और अब एक बार फिर से वो चाहते हैं उनके साथ काम करना, जिसके लिए उनकी बातचीत फिल्म की मेकर्स के साथ फिलहाल चल रही है। बागी 4 की कास्ट के साथ साथ ही बागी 4 की शूटिंग लोकेशंस भी काफी दिलचस्प है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार फिल्म में काम एक्शन देखने को मिलेगा और प्रेम कहानी ज्यादा, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मेकर्स को अच्छी लोकेशंस की तलाश है, जिसके लिए वो दुनिया भर की रोमांटिक लोकेशंस की तलाश कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिल्म को पेरिस में भी शूट किया जा सकता है और साथ ही साथ इसे कई और फॉरेन लोकेशंस में शूट करने का संदेश भी है। अब बात करते हैं कि किस फिल्म से इंस्पायर्ड हो सकती है ये फिल्म, तो इस विषय पे काफी दिनों से चर्चाएं हो रही हैं और कई फिल्मों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कि हाल ही में नाम सामने आया है दिशा पाचनी और आदित्य रॉय कपूर स्टारर मलन का। फिल्म मलन 2020 में रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर थी और अब इस फिल्म की थीम और स्क्रिप्ट से इंस्पायर हो सकती है बागी 4 भी, तो अब देखना ये है कि क्या आदित्य के बाद फिर से टाइगर के साथ दिशा जमा पाएंगी अपनी जोड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पलक आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।